हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू कंप्लेंट अगेंस्ट जीएसटी ऑफिसर। तो किसी भी रीज़न की वजह से जीएसटी ऑफिसर की कंप्लेंट रजिस्टर करना है, दर्ज करना है, तो कैसे करेंगे, यही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। सबसे पहले यहाँ पे आपको जीमेल ओपन करना है, उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। तो ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नेम का कॉलम, जहाँ पे आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। मैं आपको डेमो बता रहा हूँ इसलिए मैं डेमो लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्पेस देखिए लिखेंगे नंबर का कॉलम, और उसमें आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है जीएसटी ऑफिसर नेम। तो जीएसटी ऑफिसर जो है उसका नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे स्पेस देके लिखेंगे सिटी, जिस भी सिटी से आप यहाँ पे बिलोंग करते हो उस सिटी का नेम यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। ये सब कुछ लिखने के बाद आएगा रिक्वेस्ट का कॉलम, जहाँ पे आपको जो मैं लिख के बता रहा हूँ वही सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेना है। और अगर आप डिटेल में खुद से भी लिखना चाहते हैं तो खुद से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे लिखना है आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट जीएसटी ऑफिसर, ही इज़ मिसबिहेविंग विद एवरीवन एंड नॉट सॉल्विंग माई प्रॉब्लम, सो प्लीज़ टेक एन सीरियस एक्शन अगेंस्ट हिम। इतना आपको यहाँ पे लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको स्पेस देके लिखना है थैंक्स एंड वार्म रिगार्ड्स, और उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर सब्जेक्ट का कॉलम दिखेगा, वहाँ पे उसी से रिलेटेड लिखेंगे जीएसटी ऑफिसर कंप्लेंट रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल अच्छे तरीके से चेक करना है, लेकिन चेक करने से पहले जीएसटी की ईमेल आईडी डाल देना है, और उसके बाद ईमेल चेक करना है जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जब आप सब कुछ यहाँ पे चेक कर लेते हो, चेक करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल सेंड कर देना है। अब सेंड करने के कुछ देर के बाद आपको यहाँ पे रिप्लाई भी आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और आपकी यहाँ पर जो कंप्लेंट है जीएसटी ऑफिसर के ख़िलाफ़ वो यहाँ पे रजिस्टर हो चुकी है, दर्ज हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने जैसा बताया है स्टार्ट टू एंड स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आपको यहाँ पे फॉलो करना है, और बिल्कुल इसी तरीके से आप जीएसटी ऑफिसर के अगेंस्ट में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कैसे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि आपकी ये कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके बाय।